हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज है हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 46 और इसके पहले मैंने 45 प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा ऑब्जेक्टिव ग्रामर प्रैक्टिस। और आज के हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रपोजिशंस। और यहाँ पर जो प्रपोजिशंस हैं काफ़ी यूजफुल होंगे। इसके साथ साथ में मैं हर सेंटेंस में आपको रूल भी बताऊंगा कि किस तरह से ये प्रपोजिशन यूज हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला सेंटेंस है दे हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड डैश 3 o'clock। और यहाँ पर हमें सूटेबल प्रपोजिशन यूज करना है एंड ऑप्शन है फ्रॉम टू सेंस या फोर में से। तो सबसे पहले देखें कि सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है सेंस और फोर। ठीक है, अब 3 o'clock डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है और डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले यूज किया जाता है प्रपोजिशन सिंस। तो यहां पर यूज किया जाएगा सिंस, तो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का सेंटेंस द प्लान इज ऑलरेडी डैश द एयर एंड ऑप्शन है इन टू इन फोर या एट में से। तो यहां पर यूज किया जाएगा आपका इन प्रपोजिशन, यानी कि इन द एयर होगा, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। आप भी कमेंट करके बताते जाइए और लास्ट में अपना टोटल स्कोर देखना कि आज जो 20 सेंटेंस में लाया हूं इनमें आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर थर्ड, अनिल फेल डाउन व्हाइल ही वाज रनिंग डैश ए बस। यहां पर यूज करना है ओवर, थ्रू, आफ्टर या इनटू। तो यहां पर जो सुटेबल प्रपोजिशन यूज किया जाएगा वो किया जाएगा आफ्टर। रन आफ्टर मीन्स होता है पीछा करना या पीछे दौड़ना। तो यहां पर जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा आपका सी, आफ्टर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर फोर एंड सेंटेंस नंबर फोर है द ब्रिज डैश द रिवर वाज बिल्ट इन द ईयर 1990, यानी कि नदी के ऊपर जो ब्रिज है वो 1990 में बनाया गया। तो होता क्या है कि जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो तो प्रपोजिशन यूज किया जाता है ओवर। ठीक है, तो यहां पर होगा द ब्रिज ओवर द रिवर वाज बिल्ट इन द ईयर, तो राइट ऑप्शन कहां पर है आपका बी, ओवर आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर फाइव एंड सेंटेंस नंबर फाइव है द थ्री ब्रदर्स ऑलवेज क्वेरल्ड डैश देमसेल्फ। यहां पर हमें यूज करना है प्रपोजिशन फोर, अमंग, बिटवीन एंड टू में से। तो द थ्री ब्रदर्स ऑलवेज क्वेरल्ड, अमंग का यूज किया जाएगा अमंग देमसेल्फ, क्योंकि दो से ज्यादा के लिए अमंग का यूज करते हैं और दो के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर सिक्स एंड सेंटेंस नंबर सिक्स है दे हैव बीन रीडिंग डैश 6 o'clock। यूज करना एट, सिंस, इन या फोर में से। तो यहां भी देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और यहां यूज किया जाएगा आपका सिंस, क्योंकि सिंस डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम या डेफिनेट टाइम से पहले प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर सेवन, ही इज नॉट इंटरेस्टेड डैश प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर फिक्स प्रपोजिशन है आपका इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज होता है। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, इन। नेक्स्ट है सेंटेंस दे हैव क्वेरल्ड डैश ए पीस ऑफ लैंड। यहां पर यूज करना है इन, ओवर, एट या ऑन में से। तो राइट ऑप्शन यहां पर होगा दे हैव क्वेरल्ड ओवर ए पीस ऑफ लैंड, क्वेरल ओवर समथिंग, तो ओवर प्रपोजिशन यहां पर यूज होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस हमारा प्लीज बीवेयर डैश द डॉग। यहां भी फिक्स प्रपोजिशन है, बीवेयर के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, ऑप्शन है आपके पास टू, इन, ऑफ या विद में से। कमेंट करके जल्दी जल्दी बताते भी जाइए साथ में। प्लीज बीवेयर ऑफ द डॉग होगा, ये फिक्स प्रपोजिशन है आपको याद रखनी होगी। लिसन डैश व्हाट योर टीचर से, ऑप्शन है फोर, टू, बाई या इन में से। तो लिसन ऑलवेज फॉलोड बाई टू प्रपोजिशन, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 11 एंड सेंटेंस नंबर 11 है
ही वाज प्रिवेंटेड डैश गोइंग टू कॉलेज, ऑप्शन है बाय, विद, फ्रॉम या टू। तो प्रिवेंटेड, प्रिवेंट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन फ्रॉम, ओके, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट, ही हैज अ ग्रेट लव डैश हिज चिल्ड्रन, ऑप्शन है ऑफ, फोर, विद एंड वाई। तो ही हैज अ ग्रेट लव, फोर का यूज किया जाएगा, तो ऑप्शन यहां पर कौन सा राइट होगा, आपका बी, बी राइट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 13, चिल्ड्रन आर फॉन्ड डैश चॉकलेट्स, विद, इन, ऑफ या फ्रॉम में से यूज करना है, तो फॉन्ड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑफ, यानी यहां पर आपको ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है, तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, ऑफ। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14, द मैन डैश अ बियर्ड इज माई ब्रदर, तो ऑप्शन है यहां पर फोर, इन, विद या फ्रॉम में से, तो द मैन विद, मैन विद, ऑप्शन सी, विद का यूज किया जाएगा सेंटेंस में। नेक्स्ट है दे विल गो टू मुंबई डैश प्लेन, ऑप्शन है बाई, ऑन, फ्रॉम या इन, तो यहां पर यूज किया जाएगा आपका बाई, राइट ऑप्शन होगा बाई, दे विल गो टू मुंबई बाई प्लेन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 16, एंड सेंटेंस नंबर 16 है ही वाज मैरिड डैश एन अर्ली एज, ऑप्शन है इन, एट, ऑफ या फोर में से, तो याद रखिए हमेशा एट एन अर्ली एज होता है, तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, एट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई गॉट योर पार्सल डैश मंडे, एंड यूज करना है टू सेंस ऑन में से, तो राइट ऑप्शन होगा यहां पर होगा वो ऑन, क्योंकि डे से पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 18, एंड सेंटेंस नंबर 18 है आई फेल डैश लव विद किरण, ऑप्शन है विद, इन, फोर या बाई, तो यहां पर यूज किया जाएगा इन लव विद होता है, इन लव विद समथिंग, समबडी, सॉरी समबडी, इन लव विद समबडी, तो यहां पर यूज किया जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्लीज वेट डैश मी, ऑप्शन है बाई, टू, फोर या फ्रॉम में से, तो यहां पर वेट के बाद यूज किया जाएगा आपका फोर प्रपोजिशन, प्लीज वेट फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है 20 नंबर में नेवर लव्ड डैश द डिसेबल्ड, ऑप्शन है टू, एट, फ्रॉम या ऑन में से, तो यहां पर राइट ऑप्शन यूज होगा वो होगा आपका एट, लव के बाद एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है, अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक बटन जरूर दबाएं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।